जो बूब्स हैं, बूब्स कहते हैं ना जिसको आप, बूब्स आर नॉट फॉर योर सेक्सुअल प्लेजर, ये आपके सेक्स के प्लेजर के लिए नहीं बने बॉडी हैं, में जो है ना उसका कुछ ना कुछ मतलब है, मकसद है, ये बने हैं ताकि बच्चा जब हो ना तो उसको दूध पिलाया जाए, जैसे कि किसी भी जानवर की बूब्स होते हैं। सड़क पे नंगे होके नाचना है, ये ख्वाब उनका पूरा होने से पहले। अगर खैर कोई दूध, यहाँ पे तो औरतें जब दूध पिला रही होती हैं तो लोग यूं यूं करके देख रहे होते हैं कि देखो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, पब्लिक में ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तो उस पे काफी शोर मचा है कि भाई तो पाकिस्तान का मौलाना कहता है कि जो औरतों का शरीर होता है भाई वो सिर्फ मजे लेने के पाकिस्तान के मौलाना ने कहा है कि औरतों का जो शरीर होता है वो सिर्फ मजे लेने के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस लड़की ने बताया कि औरतों का शरीर भाई मजे लेने के लिए नहीं होता, वो किसी ना किसी काम आने के लिए ही होता है। तो भाई क्या है पूरी बात, तो चलिए वीडियो में जानते हैं। फरहत हाशमी कहती हैं कि वो कनाडा में शरिया लॉ चाहती हैं, तो क्या उनका ये ख्वाब पूरा हो सकता है? मैं सड़क पे नंगे होके नाचना है, ये ख्वाब उनका पूरा होने से पहले। हम सारी लड़कियां ना टॉपलेस मार्च करेंगी। टॉपलेस होना तो कनाडा में लीगल है, आपको पता है ये बात? आज मैं औरतों अटकी ने मैडम, यहाँ मैं पर अपने लड़ लोन लेना लड़के है, लड़ लड़के लड़ इसलिए मैं लड़के बहुत अटकी थी। हमने राइट्स दिए, भैया बंदा शर्ट उतार के चला जाए तो नो प्रॉब्लम, हम शर्ट उतार के जाए तो हम क्यों प्रॉब्लम? हमारे भाई हमारे बड़े हैं थोड़े से, ऐसे तो मर्दों के भी हो जाते हैं। आज वो देखना था, वो जो हमारे झूठे रसूल हैं उनको देखना था, वो बीच पे जाकर अपने दो सतरंगे दिखा रहे थे, उनके और मेरे साइज में कोई डिफरेंस थोड़ी था, उनके भी इतने ही बड़े थे। वो दिखा सकता अपनी शर्ट उतार के, तो मैं नहीं दिखा सकती? आपकी दिस इज नॉट फॉर योर प्लेजर, जो बूब्स हैं, बूब्स कहते हैं ना जिसको आप, संतरे ममे जो भी बोल, व्हाट एवर यू कॉल देम, बूब्स आर नॉट फॉर योर सेक्सुअल प्लेजर, ये आपके सेक्स के प्लेजर के लिए नहीं बने हैं। एवोल्यूशन ने हमारे बूब्स को आपके खिलौने नहीं बनाए हैं। ये किस लिए? हर चीज आपकी बॉडी में जो है ना उसका कुछ ना कुछ मतलब है, मकसद है, ये बने हैं ताकि बच्चा जब हो ना तो उसको दूध पिलाया जाए, जैसे कि किसी भी जानवर के बूब्स होते हैं। अब किसी जानवर को, किसी जानवर कुत्ता जो कुतिया के बूब्स पे जाके थोड़ी लगा रहता है, नचिया उसको क्या उससे सेक्सुअल प्लेजर? उससे तो बच्चे दूध पीते हैं। ये तो मर्दों ने कर दी ना ये चीज, मर्दों ने ये चीज कर दी, ये बूब्स को सेक्सुअलाइज कर दिया है। व्हाई आर बूब्स सो सेक्सुअलाइज्ड टू अ पॉइंट? अब मैं पाकिस्तान में तो खैर मुझे जब तक मुझे याद है, जब मैं पाकिस्तान में रहती थी, इवन हमारे गांव में औरतें क्या करती थी, बच्चों को दूध पिलाती थी, ठीक है ना, और मैं भी पब्लिक में भी, तो क्या करती थी औरतें, इस तरीके से दुपट्टा डाल लेती थी और बच्चे को फिर दूध पिला लेती थी इस तरह कवर कर, राइट? अब यहाँ वेस्ट में भी, और आई एम प्रीटी श्योर पाकिस्तान में भी ये प्रॉब्लम होती होगी कि अगर कोई दूध, खैर यहाँ पे तो औरतें जब दूध पिला रही होती हैं तो लोग यूं यूं करके देख रहे होते हैं कि देखो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, पब्लिक में ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तो उसपे काफी शोर मचा है कि भाई बच्चे को भूख लगेगी, रेस्टोरेंट में अगर हम बैठे हैं तो वो बच्चा दूध ना पिए, तू गब गब खा ले। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वुमेन वर्किंग ऑन दैट टू, कि दीज आर फॉर आवर किड्स, दे आर नॉट फॉर। तो भाई मौलाना कैसे बातों को तोड़ फोड़ के कैसे बताता है कि औरतों का जो शरीर होता है वो सिर्फ मजे लेने के लिए होता है, लेकिन उस लड़की ने बताई हमें असली सच्चाई कि औरत के शरीर में जितना भी कुछ होता है भाई वो भगवान ने किसी ना किसी काम आने के लिए बनाया। भाई औरतों का शरीर सिर्फ मजे लेने के लिए नहीं होता, वो काम की चीज़ होती है भाई। और भाई औरतें जब बच्चे को दूध पिलाती है तो मौलाना कहता है कि ये औरतें भाई लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये हमें मजे देना चाहती है, ये हमें ये इशारा करती है कि मेरे साथ गलत करो, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। औरतें बच्चे को अगर भूख लगेगी तो औरत भी उसे दूध पिलाना भी पड़ेगा। तो भाई मौलाना ये कैसे कैसे बोल रहा है भाई, कितना गलत है मौलाना, कितनी गंदी सोच है भाई मौलाना की। तो आप लोग हमें इस बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।